वक्त हम आपको बता रहे हैं मांडलगढ़ से कांग्रेस विधायक विवेक जीत गए हैं। उपचुनावों के परिणाम में विवेक ठाकड़ ने मांडलगढ़ में जीत दर्ज कर ली है। हम आपको बता दें लगातार यही मांडलगढ़ की वो सीट थी जहां पर शुरुआत में बीजेपी आगे नजर आ रही थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और विवेक धाकड़ ने बीजेपी के विधायक को पछाड़ दिया है और जीत हासिल कर ली है। यानी कि राजस्थान के उपचुनावों में तीनों सीटें ही बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। आपको बताएं हम मांडलगढ़ से कांग्रेस के विधायक विवेक धाकड़ ने जीत कर दर्ज की है, भाजपा के शक्ति सिंह को मात दी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ तस्वीरें पलटकर सामने आई हैं जहां पर तीनों की तीनों सीटें बीजेपी से छूट चुकी हैं। भाजपा के शक्ति सिंह को मात दे दी है विवेक धाकड़ ने। हालांकि शुरुआती रुझानों में मांडलगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में दिख रही थी, लेकिन तस्वीर बदल गई है और अब विधानसभा की मांडलगढ़ सीट भी कांग्रेस के हाथों चली गई। राजस्थान उपचुनाव 2018 के परिणाम सामने आ गए हैं। तीनों सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। लेकिन शुरुआती रुझानों में भले ही पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हो और कई सारी बातें कही गई पार्टी की तरफ से, सिर्फ रुझानों की बात कही गई, जीत अंततः आखिरकार होगी आशान्वित नजर आई, लेकिन अब परिणाम सामने आ चुके हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बहुत बड़ा धक्का 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को लगा है। जुड़े हुए हैं संवाददाता दिनेश, करेंगे उनका वापस से जानकारी हासिल करेंगे। दिनेश, अब सीधे सीधे तस्वीर साफ हो गई है, जीत मिल गई है कांग्रेस को, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ मांडलगढ़ में कांग्रेस करीब 11,136 वोटों से बीजेपी को पछाड़ कर आगे निकली है। जी, और इस तरीके से क्या कहें, जैसे कि विधानसभा की सीट पहले मांडलगढ़ की जो विधानसभा सीट थी वो शुरुआती रुझानों में भले बीजेपी के पास दिख रही हो, लेकिन आखिरकार विवेक धाकड़ ने जीत दर्ज कर ली है, कैसा उत्साह दिख रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, बड़ा तगड़ा उत्साह है मांडलगढ़ क्षेत्र में, क्योंकि करीब 14वीं राउंड तक तो बीजेपी इतनी आगे थी कि लोगों में उत्साह था, लोगों में एक आकांक्षा थी कि बीजेपी निकल जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन करीब 16वें राउंड के बाद से ही कांग्रेस आगे निकलनी शुरू हुई है, जो अंत तक 21वें राउंड तक 11,136 वोटों से आगे निकली है। यहाँ इतना जोरदार माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। जी दिनेश, और जैसा कि पार्टी पहले आशान्वित नजर आ रही थी, कई लोगों से हमने बात की, कई कार्यकर्ता कई नेताओं ने भी कहा कि ये शुरुआती रुझान है, निश्चित तौर पर पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, ऐसा है कुछ पोलिंग बूथ थे जिस पोलिंग बूथों के ऊपर कांग्रेस को अपनी जीत का चांस था कि इन पोलिंग बूथों पे इनकी चांस है कि कांग्रेस निकल सकेगी, उन पोलिंग बूथों की काउंटिंग थोड़ी करीब 14-15वें राउंड के बाद से शुरू हुई थी, इस कारण से शुरुआत में बीजेपी को आगे बताया जा रहा था। लेकिन करीब 15वें राउंड के बाद से ही जिन पोलिंग बूथों के लास्ट में जिन पोलिंग बूथों की काउंटिंग शुरू हुई थी उन्हीं से कांग्रेस को बढ़त मिली है। जी जी दिनेश, अब ये जो परिणाम सामने आए हैं इसको क्या कहा जाए, जो 2018 के विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान के, उसके लिए, उन चुनावों के लिए क्या संदेश जाता है दोनों ही पार्टियों को? जी बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए बहुत करारा जवाब है, क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ी एक आकांक्षा थी कि ये इस इन चुनावों के अगर निकलती बीजेपी की अगर जीत हासिल होती तो आगे इन विधानसभा चुनावों के अंदर एक अच्छी जो जिस तरीके की लहर बताई जा रही थी बीजेपी की, उसको बड़ा धक्का लगा है इन चुनावों से। जी दिनेश, क्या लगता है कि इस तरीके से जो हार हुई है, इस हार को क्या कहें कि जनता का आक्रोश कहा जाए या फिर कई दूसरे जो कारण हो सकते हैं, क्या लगता है क्या कुछ कारण हुए जिस वजह से बीजेपी को ऐसे मुंह की खानी पड़ी है? जी बिल्कुल, 80% इसको जनता का आक्रोश ही कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर वर्तमान समय में जो गुटबाजी देखी गई है, बीजेपी की वर्तमान में जो नेताओं द्वारा जिस तरीके की कुछ गुटबाजी दिखाई गई है उसे लेकर बिल्कुल जनता का आक्रोश है, क्योंकि जनता को एक प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। लेकिन दिनेश जय, ऐसा है दिनेश कि कांग्रेस में भी अंतर्कलह है, ऐसा नहीं है कांग्रेस के अंतर्कलह से किनारा किया जाए, लेकिन उन सब का प्रभाव नहीं पड़ा है और जनता ने आखिरकार
उपचुनावों में कांग्रेस को जीत दिला दी है, क्या मायने निकाले जाए इसके? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अंदर कांग्रेस में अंतर्कलह है, लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान के जो अधिकारी है ये सब एक इकट्ठे होकर बैठे थे। इन सब ने एक प्रतिनिधित्व किया है मंडलगढ़ उपचुनावों में, अपना एक इकट्ठा एकत्रित होकर एक इकट्ठा प्रतिनिधित्व दिखाया है। लेकिन यही बीजेपी के अंदर देखें तो बीजेपी के अंदर आला कमान के अधिकारियों में भी फूट नजर आई थी, इस कारण से शायद मान सकते हैं कि मंडलगढ़ उपचुनावों में ये वही नतीजा है कि आला कमान के अधिकारी भी आपस में जुड़ नहीं पाए थे। जी जी दिनेश, अगर हम बात कर लेते हैं 2018 के बाद 2019 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उन 2019 के चुनावों में क्या कुछ परिणाम और जो लहर, आपने कहा बीजेपी की लहर का जिक्र किया जा रहा था, वो लहर क्या कहें कि कम पड़ नजर आ रही है राजस्थान की तरफ से? तरीके से जो योजनाएं लाई गई, कुछ हद तक तो उन योजनाओं से लोग ग्रस्त थे कि इस तरीके से गरीब की रोजी वगैरह इस तरीके से तो लोग पहले ही त्रस्त थे, लेकिन उसके बाद में लोगों को फिर कुछ आकांक्षा थी कि आशा थी कि यहाँ से बीजेपी निकलेगी, लेकिन यहाँ से जो है अब आगे के अंदर वापस मान बीजेपी आगे करा रही हार होना नहीं। जयेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब हार का सामना करना पड़ा है पार्टी को, बीजेपी की तरफ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, क्या लगता है अब जो एक बहुत बड़ा विश्वास जताया था नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे पर, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है, उसको धक्का लगा है, आगे के चुनावों में क्या कुछ रणनीति अपना सकती है पार्टी, क्या बदलाव करेगी अपनी रणनीतियों में बीजेपी? इसका कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि अगर बीजेपी कुछ अपने इस तरीके के प्रत्याशी को लाने की कवायद चल रही है जिसमें बिल्कुल नए चेहरा को पुराने जो इस तरीके से जो पुराने प्रतिनिधि बताए गए हैं बीजेपी के इनमें इनके कारण से इस तरीके से जो है तो करीब इसका जा रहा है कि आगे जो भी बीजेपी जो है चेहरे उतारेगी बिल्कुल नए चेहरे उतारने का प्रयास चल रहा है। जी जी, और कांग्रेस जो लगातार हार का सामना करती आ रही थी कि पिछले कई वक्त लंबे वक्त से, उसे अब एक नई रोशनी मिली है राहुल गांधी की जिम्मेदारी के बाद, क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है गुजरात में भी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी और अब राजस्थान उपचुनावों में जीत दर्ज की है, नई जान फूकी है, क्या कहेंगे हम? मंडलगढ़ उपचुनाव के इसमें कांग्रेस की जीत के बाद इतना जबरदस्त माहौल, छोटे से लेकर बड़े बड़े प्रतिनिधि तक इनको इस चीज से आशा बंधी है कि कहीं ना कहीं अब जब मंडलगढ़ उपचुनाव से कांग्रेस जीती है तो कहीं ना कहीं अब आगे इस चीज का फायदा मिलेगा और लोगों में इसके प्रति एक आशा नजर आई है कि भाई आगे से और हमारे जो आगे जो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के अंदर आगे हमको इसके अंदर और बढ़त मिलेगी, काफी हद तक आगे और सीटें निकाल पाएंगे। जी 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 जय, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम तमाम जानकारी आपको दे रहे थे, राजस्थान उपचुनावों के परिणाम सामने आए हैं और उपचुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, सूपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस ने तीनों सीटों पर, अजमेर अलवर और मांडलगढ़ की तीनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका रुख कर लेते हैं। जी जिस तरीके से जाना चाहेंगे, जीत मिल गई है मांडलगढ़ में, पहले बीजेपी को बढ़त मिल रही थी लेकिन अब कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, संदेश देना चाहती है जनता या फिर क्या कहें जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं? देखिए, इन तीनों चुनाव परिणामों को अगर गौर किया जाए तो ये एंटी इनकम्बेंसी के पूरी तरह से प्रमाण है और साथ साथ ही जो सरकार की मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं और उनकी जो कार्यक्रम है उनकी ठोस क्रियान्विति या आम जनता तक उसकी पहुंच नहीं होने का एक संदेशा देती है। साथ साथ ही इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जितने भी जो घटनाएं जो हुई है प्रदेश में पिछले कुछ सालों से या पिछले साल में, जैसे राजपूत एक कम्युनिटी नाराज हुई है और जिन्होंने ऐलान भी किया है और साथ साथ ही कई ऐसे भी वर्ग हैं जो रुष्ट हुए हैं, तो सरकार को अब ये देखना पड़ेगा कि इनकी क्या मतलब भाजपा को नए समीकरण रणनीति के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। जी महेश, क्या लगता है कि पार्टी इस जीत से, इस हार से सबक लेगी, रणनीतियों में बदलाव करेगी, क्या कुछ वो क्षेत्र हैं, क्या कुछ वो पॉइंट हो सकते हैं जिस पर पार्टी को अमल करने की जरूरत है? देखिए, एक सबसे बड़ा जो है कि अगले चुनाव में वो क्या इन परिणामों से क्या प्रेरणा लेते हैं ये पार्टी को डिसाइड करना, उनको चिंतन मनन करना होगा कि हमारी हार के कारण मुख्य तय क्या रहे, क्या हमारी सरकारी उपलब्धियां जो हैं
उनको आम आदमी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसके लिए उसको जरा अपना जोर उस पर जोर देना पड़ेगा। साथ साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि हकीकत में जो सर्विस जो हो रहे हैं उन पर कितना गंभीर होने की आवश्यकता है। महंगाई मुख्य रूप से एक मुख्य मुद्दा होता है, आम आदमी को जब तक राहत नहीं मिलती है तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। साथ साथ ही कर्मचारी वर्ग भी पिछले कोई विशेष वेतन की कटौती को लेकर के भी जो उनका आक्रोश था वो भी उन्होंने अपना व्यक्त कर दिया है। जी महेश, और जो पार्टी ने अब हार का मुंह देखा है, हार का सामना किया है मांडलगढ़ में, भले ही पहले दिखाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था शुरुआती रुझानों में कि बीजेपी आगे है, लेकिन इसे इन चुनावों को 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता का सेमीफाइनल मैच कहा जा रहा है, जहां पर एक कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। 2018 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें तस्वीर क्या यही होगी या फिर लगता है कि बदलाव नजर आएंगे? देखिए अभी समय बाकी है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो है बजट भी आना बाकी है, उसके बाद में तय होगी कि क्या स्थिति है। सवाल ये कि इन उपचुनावों से सरकार जो मौजूदा है वो कितना सबक लेती है, उसे सबक लेना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए कि आखिर हार के क्या कारण है। समाज एकदम जनता उनसे जिन्होंने की 163 सीट पिछली बार जो दी थी और आज इस बार में मतलब क्या कहते हैं ये जो दिया है जो परिणाम जो दिया है कि उसका रोष के कारण क्या रहे हैं और किस तरह से रही है। महेश, आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस अब किस तरीके से अपनी जीत को देखेगी और आगे की रणनीति पार्टी की क्या होगी? देखिए इसका जहां तक कि कांग्रेस का जो सवाल है कि जो कांग्रेस जो है अब इस जीत से उत्साहित है, पिछले जो चुनाव परिणाम और जितने भी प्रदेशों में जो चुनाव हुए थे वहां मिली हार करारी हार से वो बिल्कुल निराशा के दौर में पहुंच चुकी थी, लेकिन ये छोटे चुनाव भले ही हो लेकिन उनमें जो जिस तरह से उनको विजय मिली है तो निश्चित उत्साह का संचार होगा और इसका परिणाम आपको ये अभी से ही ये है कि चुनाव में ये गतिशील हो जाएंगे और इसके बाद में इसको चुनाव अपने वापस सत्ता में आने की कोशिश करें। जी जी महेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान उपचुनावों के परिणाम लगातार बताते जा रहे हैं हम आपको, ताजा जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रहमतुल्ला, इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं, सचिन पायलट भी वहां पर संवाददाता सम्मेलन करने वाले हैं, उनका रुख करेंगे। रहमतुल्ला, जीत का जश्न दिख रहा है, क्या तस्वीर है वहां पर, कैसे जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता? बिल्कुल, पीसीसी मुख्यालय पर सचिन पायलट मौजूद है, कई कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद है, दिग्गज नेता भी यहाँ मौजूद है, ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद सचिन पायलट संवाददाता सम्मेलन करेंगे, प्रेस वार्ता से बातचीत की जाएगी और यहाँ तक लग रहा है कि ये तीनों उपचुनाव कांग्रेस जीत चुकी है तो बहुत ही खुशी का जश्न है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी कांग्रेस की बड़ी उम्मीद लग रही है इनको। रहमतुल्ला जी, वहां पर आपने बात भी की है, कार्यकर्ता होंगे जो जश्न मना रहे हैं, कैसा उत्साह, कैसा जोश और किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई हैं? उन्हें पहली बार इतना बड़ा जोश मिला है क्योंकि पहले भी तीन विधानसभा की तीन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी लेकिन उतना उत्साह नहीं था जितना इस बार है क्योंकि इतना बहुत ही, हालांकि ये दूसरा लोकसभा उपचुनाव के बाद ये दूसरा जश्न है लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा जश्न है क्योंकि अजमेर और अलवर बहुत हॉट सीट थी और दोनों पर जीतना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती थी लेकिन कांग्रेस ने बाजी मारी है। वही मांडलगढ़ में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो बिल्कुल प्रदेश में इस उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ लग रहा है तो वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका काफी असर पड़ेगा। कांग्रेस में यही चर्चा चल रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बढ़त के साथ जीत हासिल करेगी। जी, कार्यकर्ताओं में जोश की स्थिति है, सचिन पायलट ने भी धन्यवाद दिया है, जनता ने भरोसा जताया ऐसा भी कहा है। अब अगर हम कहें आगे जो तस्वीरें निकल कर आएंगी और सचिन पायलट भी संवाददाता सम्मेलन करने वाले हैं, क्या कुछ बातें हो सकती हैं सामने? उपचुनावों को लेकर संवाददाता सम्मेलन करेंगे उसके बाद में बीच में साथ ही जो बजट पेश हुआ उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और अभी खुशी बहुत ही कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न हो रहा है, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद है और यहाँ सचिन पायलट ने प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद ज्ञापन किया है और अशोक गहलोत ने भी प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया, सीपी जोशी समेत कई दिग्गज नेताओं थे जो स्टार प्रचारक थे, अविनाश जी पांडे थे, सबने प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है और उनको लगा कि अब प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर रुख किया है तो सीधी सी बात है कि
बीजेपी को शिकस्त देने के लिए प्रदेश की जनता तैयार है, यह कांग्रेस जन का मानना है। रहमतुल्ला जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विरोध भी है, अंतरकलह भी है, सचिन पायलट गुट है, अशोक गहलोत गुट है, जीत जब मिल गई है, एक मांडलगढ़ सीट पर जीत मिली है और आगे बढ़ रही है दूसरे दो सीटों पर जीत की ओर, लगता है कि आपस के विरोधों को भुलाकर, मतभेदों को भुलाकर सामने आ पाएंगे सभी? बिल्कुल, इस बार हालांकि मन भेद थे, इनका यही कहना है हमारा मतभेद नहीं है, मन भेद है, लेकिन हम तीनों, जैसे सीपी जोशी गुट है, अशोक गहलोत गुट है, सचिन पायलट गुट है, अभी इस बार तीनों गुटों ने एक साथ मिलकर के काम किया है। अभी स्टेटमेंट दिए थे गहलोत ने कि हमारा, मेरे सचिन से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात है, हम किसी से हमारा कोई मन भेद नहीं है और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। श्री रहमतुल्ला, ये भी कहा जा रहा था जिस तरीके से मांडलगढ़ में जो बागी जो विधायक थे उनकी वजह से, जैसे पहले कांग्रेस ये कहती आई थी कि बागी जो विधायक थे उसकी वजह से समस्याएं सामने आ रही है, लेकिन जीत मिल गई है, यानी कि अंतरकलह है, अब जो जीत मिल गई है बीजेपी कांग्रेस को, क्या लगता है क्या कुछ हालात हो सकते हैं, क्या कुछ रणनीति में बदलाव किया जा सकता है पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी अध्यक्ष बने उसके बाद में भी बदलाव संभव है, हालांकि कुछ दिन पहले अविनाश पांडे ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी पीसीसी जो चीफ की सीट है उस पर बरकरार रहेंगे सचिन पायलट, हालांकि प्रदेश पीसीसी पदाधिकारियों में बदलाव किया जा सकता है और अभी एआईसीसी की भी कमेटी बनेगी उसमें बदलाव करेंगे, लेकिन अभी जो बागी बने हैं नेता तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की इसमें कहीं ना कहीं कुछ राहत फर्क रहा है, इस वजह से बागी बने हैं, लेकिन इसको जल्दी जैसे संभाल लेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है। जी रहमतुल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रही लगातार आपके पास भी जुड़ेंगे ताजा जानकारियों के लिए। तो उपचुनावों में राजस्थान के उपचुनाव 2018 की हम पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, ताजा अपडेट इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने मांडलगढ़ विधानसभा सीट जीत ली है, वहां पर विवेक धाकड़ ने भाजपा के शक्ति सिंह को हरा दिया है और अब दोनों जो लोकसभा की सीटें हैं अजमेर और अलवर, वहां भी कांग्रेस ही आगे बढ़ती नजर आ रही है, यानी कि इन उपचुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। भले ही पार्टी में अंतरकलह की बातें सामने आई हैं, सचिन पायलट के गुट की बात कही गई है, अशोक गहलोत के गुट की बात कही गई है, तो दूसरे कई ऐसे तमाम जो अंतरकलह हैं, बागी विधायक भी यहां पर सामने आए थे, लेकिन उन तमाम अड़चनों को, अटकलों को पार करते हुए मांडलगढ़ में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और दोनों ही सीटों पर, लोकसभा की अगर दो सीटों की हम बात करते हैं तो वहां भी जीत दर्ज करी है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, काफी जश्न और कांग्रेस में बदलाव की बयार जो देखने को मिली है। राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष के बाद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा है पार्टी में नई जान फूकी गई है और जोश से लबरेज हैं कार्यकर्ता और उत्साह के साथ जनता ने मांडलगढ़ में कांग्रेस को चुन लिया है। लगातार की ताजा जानकारी हम आपको हर बार दे रहे हैं, शक्ति सिंह को मात दी है भाजपा के, हालांकि ये बताया जा रहा था विधानसभा की जो मांडलगढ़ सीट है वहां पर चुनौतियां कई थी कांग्रेस के लिए, क्योंकि बागी विधायक भी सामने आए, कई सारे मसले भी निकल कर आए, कांग्रेस के अंतरकलह भी हैं, लेकिन उन सभी को हार कर, उन सभी को हरा कर खुद कांग्रेस जीती है और एक बयार कहें कि खुशी की बयार बह चली है। कुछ ही वक्त में सचिन पायलट वहां पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस जीत से संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम जो बातें हैं, रणनीतियां हैं, उन पर चर्चा की जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। जोश खरोश से लबरेज हैं कार्यकर्ता। तो राजस्थान उपचुनावों में कांग्रेस को मिल रही बढ़त को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे कांग्रेस को बढ़त मिलती जा रही है वैसे वैसे पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। वही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय भी पहुंचे हैं और वहीं पर बैठकर टीवी पर लगातार परिणाम और रुझान देख रहे हैं, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता रहमतुल्ला खान ने। राजस्थान उपचुनाव के रुझान कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पर खुशी का माहौल है। अजमेर और अलवर दो सीटों में कांग्रेस लीड ले रही है, आगे चल रही है। वहीं पर इस वक्त हम पीसीसी मुख्यालय पर मौजूद है, सभी कार्यकर्ता यहां पर टीवी के सामने बैठकर रुझान देख रहे हैं। रुझानों को देखते हुए बड़ी खुशी जाहिर हुई है। अभी हमारे साथ दानिश अब्रार मौजूद कांग्रेस के नेता है, जी बताएंगे किस तरह की खुशी आपको लग रही है। किस तरह की खुशी आप देख सकते हैं पूरे कार्यालय के अंदर, और राजस्थान की तरफ से राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद संसद में हमारे सांसदों का खाता खुलने वाला है। हमारे दो उपचुनाव चल रहे हैं, आप देखेंगे दोनों उपचुनाव में कांग्रेस लोकसभा भी जीतेगी और विधानसभा में भी हमारा डिफरेंस मात्र 200 वोट का रह गया है,
तो इस बाय इलेक्शन में बीजेपी का शायद खाता भी नहीं खुलेगा। जी आप बताइए किस तरह की खुशी लग रही है और क्या लग रहा है आपको? देखिए पूरे कांग्रेस परिवार में खुशी का माहौल हो और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार की नीतियां हैं किसानों के प्रति जो माहौल खराब है और ब्याज माफ नहीं किया गया उन सबको लेकर आज जो अविश्वास बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता ने दिखाया है कांग्रेस पार्टी में बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह के साथ। एंड किस तरह के यहाँ पे पीसीसी मुख्यालय पर सभी टीवी के सामने देख रहे जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और बड़ी नारेबाजी के साथ सखानंद भी हुआ अभी थोड़ी देर पहले, और अभी हम आपको बात बताएंगे कांग्रेस के नेता हैं ज्योति खंडेलवाल से बात करेंगे किस तरह की खुशी आप कर रहे हैं। देखिए हम तीनों सीटों पर चाहे वो अलवर की हो चाहे वो अजमेर की हो और चाहे वो मानलगढ़ की हो तीनों सीटों में जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये जीत हजारों में नहीं होगी लाखों में होगी ये जीत, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग, उनका रुख करेंगे। गिरिराज जी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मांडलगढ़ सीट जीत ली है कांग्रेस ने, बहुत बहुत बधाई। मिठाइयों का इंतजाम हो चुका होगा? नहीं निश्चित रूप से ये तो पहले से ही तय था, बाय इलेक्शन जब प्रचार चालू हुआ था उसी समय तय हो गया था कि राजस्थान की जनता के अंदर 4 साल का जो कुशासन है 3.5 साल के जो जुमलों की सरकार है उसके खिलाफ आक्रोश था और उस आक्रोश ने जनता ने ना प्रदर्शित किया है ना पार्टी के द्वारा, और तीनों जगह जो कांग्रेस ने जीती है वो सबसे बड़ा कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। राहुल गांधी और सचिन पायलट का जो राजस्थान में नेतृत्व है उसकी जीत है। हमने हमारा बूथ हमारा गौरव जो कार्यक्रम चलाया, हर बूथ में जो कार्यकर्ता को मजबूत किया, हर बूथ के कार्यकर्ता ने मजबूती से जो अपना काम किया, वो सारे नेताओं ने मिलकर और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। और ये सेमीफाइनल जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी खुद ही कि ये ना विधानसभा चुनाव के पहले का है, तो ये साफ जाहिर हो गया है कि 17 की 17 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि जनता जो है वो मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को 2018 में बाहर का रास्ता दिखाने का। अब इनके कोई जुमले चाहे नरेंद्र मोदी जी के हों और चाहे राजस्थान की सरकार की मुख्यमंत्री जी को हों ये चल नहीं सकते। ये विकास की बात करते हैं खाली और जनता को धोखा देते हैं, विकास करते नहीं है और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, उसके ये परिणाम है। गिरिराज जी क्या कहेंगे जो जीत मिली है इस वक्त मांडलगढ़ में, इस जीत को और उपचुनावों के जो रुझान है अजमेर और अलवर के लोकसभा सीटों के, उन जो परिणाम निकल कर आए हैं उन परिणामों को क्या कार्यकर्ताओं का की मेहनत का रंग कहेंगे या फिर जो मौजूदा सरकार के प्रति जनता का गुस्सा है उसके परिणाम के तौर पर देखते हैं आप? 4 साल में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में जो संगठन के कार्यकर्ता ने मजबूती से काम किया हर बूथ के ऊपर, हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ऊपर, पूरे राजस्थान में जो संगठन को सचिन पायलट जी ने खड़ा किया ये उसकी जीत है। सामूहिक नेताओं ने अब पहली बार जो है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, चाहे गिरिजा व्यास जी हो, सचिन पायलट जी हो, रामेश्वर डूडी जी हो, भवन जितेंद्र सिंह जी हो, सबने सामूहिक रूप से प्रयास करके चुनाव लड़ा। उसका परिणाम है कि कार्यकर्ता एकजुट रहा, नेता एकजुट रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना। लेकिन गिरिराज जी अंतर कलह तो सामने आए, गुट क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं इस पार्टी में? सचिन पायलट का गुट निकल कर आया है, अशोक गहलोत जी का गुट निकल कर आया है, तो गुटबाजी फिर क्यों हो रही है? लगता नहीं कि इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है पार्टी को आगे? उपज है, वरना आपने देखा होगा मैडम अलवर हो, अजमेर हो, मानगढ़ हो, तीनों चुनाव के अंदर सामूहिक नेताओं ने अपने अपने जो प्रयास हो सकते थे वो पूरे प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी नेता ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान केंद्रित किया और बाकी को छोड़ दिया हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, मतलब सबने सामूहिक रूप से प्रयास किया और हर सीट को उतना ही महत्वपूर्ण समझा है, इसी का परिणाम है। आप ये गुटबाजी की जो बात कर रहे थे ये हो सकता है चुनाव के पहले आप लोगों को लिख रही हो, लेकिन इस चुनाव में साबित कर दिया है कि ना तो कार्यकर्ता बटा हुआ है और ना नेता बटे हुए सारे। लेकिन गिरिराज जी निकल कर तो सामने आए, बागी भी सामने आए, उसकी वजह से भी शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे रही, अंतर कल है भले पार्टी नकारे लेकिन सामने आते रहते हैं बार बार। गोपाल मालवीय जो खड़ा हुआ उसकी गलत निकल गई, वो सोच रहा था कि मुझे टिकट नहीं दिया है चुनाव विधानसभा में चल जाऊंगा, इतना बड़ा मार्जिन उसने लिया, अगर ये वो रोज वोट कांग्रेस के साथ जुड़ जाते तो कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत होती, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ना जीत वहां दर्ज की है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जातिगत कार्ड भी नहीं चला कि कीर्ति कुमारी राजपूत सिर शक्ति सिंह हाडा को उम्मीदवार बना दिया, सांवरमल जी जाट की डेथ हुई निधन हुआ और उनके लड़के को उम्मीदवार बना दिया, वहां चांदनाथ की डेथ हुई और जसवंत यादव को उम्मीदवार बना दिया, जनता ने उसको भी नकार दिया जी। तो यानी कि आगे पार्टी आश्वस्त है जीत को लेकर? गिरिराज जी सामूहिक नेतृत्व को लेकर आश्वस्त है, राजस्थान के हर कार्यकर्ता को जीत की बधाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और हम फिर अगला चुनाव सब सामूहिक रूप से मिल करेंगे, हमारे नेता एकजुट है, कार्यकर्ता एकजुट है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हम आपको एक और ताजा जानकारी दे दें, लोकसभा की अलवर सीट से डॉक्टर करण सिंह यादव जीत गए हैं कांग्रेस के, यानी कि कांग्रेस ने अब लोकसभा की सीट पर भी कब्जा कर लिया है, यानी कि बीजेपी दोनों सीटों पर हार गई है, कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। और अजमेर में अभी तक रुझानों की अगर बात करते हैं या फिर परिणामों की बात करते हैं, तस्वीरों की बात करते हैं, तो कांग्रेस वहां पर शुरुआत से ही आगे चल रही है, जीत का अंतर बहुत बड़ा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास यही कि अलवर से कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी को एक बहुत बड़ा धक्का, सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है पार्टी का, सेमीफाइनल कहा जा रहा था इसे, सत्ता का सेमीफाइनल का कह रही थी बीजेपी। और खुद इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं राजस्थान उपचुनावों की, लगातार कांग्रेस जीत दर्ज करती जा रही है, अलवर से डॉक्टर करण सिंह जीत गए हैं, अजमेर से कांग्रेस के रघु शर्मा भी आगे चल रहे हैं, यानी कि सूपड़ा साफ हो रहा है धीरे धीरे बीजेपी का। ताजा जानकारी इस वक्त अलवर से कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह जीत गए हैं, बीजेपी ने लोकसभा की वो सीट भी गवा दी है, पहले विधानसभा की मांडलगढ़ सीट और अब लोकसभा की अलवर सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर करण सिंह जीत चुके हैं। अगर अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में भी कांग्रेस ही आगे चल रही है, अंतर बहुत बड़ा है और लगभग कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। राजस्थान उपचुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है इस वक्त, लगातार पल पल की ताजा जानकारी आपको दिखा रहे हैं हम। राजस्थान उपचुनाव 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 में ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उपचुनावों के ये परिणाम बीजेपी के चेहरे पर शिकन लाते नजर आते हैं। आपको बताएं बीजेपी के जसवंत सिंह यादव को हरा दिया है लोकसभा में, लोकसभा की अलवर सीट से डॉक्टर करण सिंह जीत गए हैं। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है, मांडलगढ़ में विवेक धाकड़ जीत गए हैं, अलवर में करण सिंह ने जीत दर्ज की है। एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को, जनता का आक्रोश और कार्यकर्ताओं के सम्मिलित प्रयास से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है इस वक्त और साफ नजर आ रहा है बीजेपी का सूपड़ा साफ होते हुए। राजस्थान उपचुनावों के पल पल की जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, लगातार आपको देते जा रहे हैं हम। और ताजा जानकारी की बात करें तो अलवर से कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह ने जीत हासिल की है, यानी कि मांडलगढ़ के बाद अब अलवर की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। पहले इन तीनों ही सीटों पर, यानी लोकसभा की अजमेर और अलवर और विधानसभा की मांडलगढ़, इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब धक्का लगा है बीजेपी को, पेशानी पर बल पड़ गए हैं क्योंकि विधानसभा की मांडलगढ़ सीट हाथ से निकल गई है, विवेक धाकड़ जीत गए हैं और लोकसभा की अलवर सीट से डॉक्टर करण सिंह ने जीत दर्ज की है। अजमेर में भी कांग्रेस ही आगे चल रही है, शुरुआती रुझानों में शुरुआत से कांग्रेस ही अजमेर में आगे थी और जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस ही जीत जाएगी और उपचुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है जनता ने। ताजा जानकारी, अलवर से डॉक्टर करण सिंह जीत गए हैं कांग्रेस के, बीजेपी के जसवंत सिंह यादव को हरा दिया है।
तो राजस्थान उपचुनावों के परिणाम, जहां पर विधानसभा की मांडलगढ़ सीट पहले ही कांग्रेस के खाते में चली गई है, अलवर में भी अब बीजेपी पीछे नजर आ रही है और लगभग तय है करण सिंह यादव की जीत। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही, आगे दिखाएंगे आपको मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। लव मैरिज का सबसे पहला सवाल, खाना बनाना आता है या नहीं? लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ माँ के हाथों का जादू, न्यू स्टार गोल्ड सोया रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और न्यू स्टार गोल्ड आटा।